हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपन यूट्यूब पर कैसे अपने चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं और उनको कैसे उपयोग में लेते हैं। और मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, कुछ फ़ायदे नुकसान भी यदि होते होंगे। फ़ायदे तो होते ही हैं, नुकसान का थोड़ा बहुत मैं बता ही दूंगा आपको क्या नुकसान होते हैं। और मैं आपको उनका दोनों वर्जन में बताऊंगा, एक तरह से आपको मोबाइल वर्जन और पीसी वर्जन कैसे, मतलब अपन प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं मोबाइल से भी और पीसी वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए केपीआर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तभी पूरा समझ में आएगा आपको। तो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ और पूरा डिटेल से बताऊँगा मैं, जितना मेरे से हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन सबसे पहले मोबाइल में कैसे मतलब ये प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं। तो आपको सिंपली अपने चैनल पे जाना होता है, यूट्यूब ऐप पर। यूट्यूब ऐप पर जाने के बाद आपको जो लास्ट का कॉर्नर पे मार्क आता है लाइब्रेरी का, आपको उस पर क्लिक करना होता है। लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद में आपको आपकी जो माई वीडियो का जो ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना होता है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी वीडियो इसमें शो हो जाएंगी। आपकी जितनी भी वीडियो आपको शो हो रही है, ये सारी आपकी वीडियो मतलब चैनल पे पड़ी हुई है। तो आपको इनमें इनको प्लेलिस्ट में जो भी आपकी चॉइस है, आप अपना प्लेलिस्ट बना सकते हो, तो आप उसमें इनको वीडियो को डाल सकते हो। तो चलिए मैं एक आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि कैसे अपन यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको मोबाइल से जैसे रिलेटेड कोई भी मेरे को प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है तो सेव टू प्लेलिस्ट में, अब ये वीडियो का जो मैंने मार्क आया है 3 डॉट, इस पर क्लिक किया है। फिर उसके बाद सेव टू प्लेलिस्ट पे आपको ये क्लिक करना होता है। सेव टू प्लेलिस्ट करने के बाद में अब आपके पास यहाँ पे देख लीजिए नया ऑप्शन आ रहा है, प्लस न्यू प्लेलिस्ट क्लियर, मतलब यहाँ क्रिएट आप कर सकते हो। और नीचे अपन की जो पहले की जो प्लेलिस्ट क्रिएट हो रखी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो आप न्यू प्लेलिस्ट पे क्रिएट करने के बाद में आप यहीं पे सारा कुछ डाल सकते हो, आपका टाइटल एक तरह से, कि आपको मतलब किस चीज़ के लिए बनानी है। तो जैसे मोबाइल से रिलेटेड है तो मोबाइल ट्रिक, जो भी आपको मोबाइल एंड्रॉयड ट्रिक जो भी आपको डालना है आपका डाल सकते हो। तो मैं ओनली मोबाइल से ही रिलेटेड है तो मोबाइल डाल देता हूँ। मोबाइल डालने के बाद में अब ये वीडियो अपनी जो थी वो प्लेलिस्ट में क्रिएट होगी। आप देख रहे हो प्लेलिस्ट क्रिएट है, नीचे मार्क पूरा लिखा आ रहा है सी लिस्ट। तो आप सी लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका दिख रहे हो आप, ये मैंने जो क्रिएट किया है प्लेलिस्ट वो यहाँ पे ऑन हो चुकी है और इसमें एक वीडियो अपनी डल चुकी है। तो आप इसके सारा कुछ यहीं देख सकते हो, और आप इसमें और वीडियो डालना चाहो तो वहीं से आप इसको डाल सकते हो। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो कि आपने किससे रिलेटेड ये प्लेलिस्ट बनाई है, तो सारा कुछ आप यहीं डाल सकते हो कि मैंने ट्रिक से रिलेटेड या ऐप से रिलेटेड जो भी मोबाइल से संबंधित आपको जो वीडियो बनाई है आपने, तो आप इस पर डाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको ये तो मैं बता ही दिया कि आप यहाँ से मोबाइल से कैसे मतलब आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करनी होती है, और कहाँ से मतलब आप यहाँ से जो भी आपकी वीडियो है अपनी और दूसरी भी, तो आप यहीं से उनको डाल सकते हो। सेव टू प्लेलिस्ट क्लिक करना होता है, फिर आप यहीं पे आपका जो मोबाइल का वर्जन है आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी वीडियो नीचे जो डन का मार्क आ रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी वीडियो ये भी उसी प्लेलिस्ट में क्रिएट हो जाएगी, लिस्ट में जाके वीडियो जुड़ जाएगी। तो ये था मोबाइल का सारा कुछ, और इसका दूसरा भी मैं आपको बता दूँ, ये तो YouTube की जो ऐप होती है उसके द्वारा था, ठीक है। अब मैं इसको आपको YouTube के स्टूडियो, आप यदि यूट्यूबर हो तो आपको समझ में आ जाएगा, YouTube का एक ऐप आता है तो आप उसको उसमें से भी मतलब आप कर सकते हो। जैसे अब मैं कोई वीडियो यहाँ पे व्यू मोर वीडियो वीडियो मतलब क्लिक करना होता है इस पर व्यू मोर वीडियो पे, तो सारा कुछ वीडियो इसमें आ जाएंगी। सारा कुछ वीडियो आने के बाद में आपको कोई भी एक मतलब वीडियो आप ही सिलेक्ट करनी है जिसमें मतलब आपको क्लिक करनी है उस पर, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपकी वीडियो की डिटेल आ जाएंगी, तो उनसे कोई मतलब नहीं। आपको आपको ऊपर जो पेंसिल का मार्क आ रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में उसका सारा कुछ एडिट आ जाएगा। एडिट आने के बाद में आप इसको अब इस ये किसी प्लेलिस्ट में एक तरह से ऐड नहीं है, तो आपको यहीं पे ऐड पे क्लिक करना होता है। फिर ऐड पे क्लिक करने के बाद में आपको जो भी आपने अपन ने अभी मोबाइल से क्रिएटेड की थी वो जो प्लेलिस्ट, आप उसको मोबाइल पे क्लिक करके आप इसको डन कर सकते हो। बैक जाना पड़ेगा, फिर बैक जाने के बाद में आपका ये देख लीजिए आप प्लेलिस्ट में जुड़ चुका है मोबाइल गेम, ठीक है। तो ये भी है, मैं आपको बता दी मोबाइल वर्जन भी। तो चलिए अब इसको भी छोड़ते हैं। इसको छोड़ने के बाद में ये सेव का मार्क आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब ये जुड़ गया एक तरह से, कंफर्म सेव टू प्लेलिस्ट आपके नीचे डिस्प्ले पे मार्क आ ही गया, ठीक है।
अब ये आ गया अपने पीसी का मतलब, तो पीसी का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब चैनल जो होता है वो ओपन करना होता है। तो अपन को एक तो यूट्यूब को पूरा डेस्कटॉप मतलब पीसी वर्जन में, मेरे पास मैं अलग से वीडियो बनाता पीसी में, तो आपको इसी में फ़ोन में बता दे रहा हूँ। तो आपको जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उसमें डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन होता है, तो मैंने इस पर क्लिक कर रखा है। तो ये डेस्कटॉप मोड मतलब आप पीसी के एक तरह से कंप्यूटर के वर्जन में ये चल रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर के वर्जन में चल रहा है, तो अब ये आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ, मेरी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रही है। अब मैं इसमें आपको और सारा कुछ बता देता हूँ। तो आपको बस यहीं पे मार्क होता है ये कॉर्नर पे, आपको थ्री डॉट वाला यहीं पे क्लिक करके आपको माई चैनल पे क्लिक करना होता है। माई चैनल पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो खुद का पर्सनल चैनल है वो सारा कुछ इसमें, मतलब पहले तो लॉगिन तो करना ही है सारा कुछ, फिर आपका जो चैनल है उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको माई चैनल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे भी दिखाई दे जाएगा देने को, तो ये आपका जो ये लोगो आता है मतलब इस पर भी यहाँ पे भी देख ले हो, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये आ रहा है माई चैनल के नाम से, तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो माई चैनल को छोड़िए आप, तो यहाँ से भी अपन कर ही लेते हैं इसको, माई चैनल पे क्रिएट कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं सॉरी। तो माई चैनल पे क्रिएट करने के बाद ये खुलता है, ठीक है। अब खुलने के बाद में अपन को जो तीन चार ऑप्शन आते हैं डिस्प्ले के ऊपर, आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जो ये दिख रहे हैं आपको ये लाइन वाई होम वीडियो प्लेलिस्ट चैनल और ये डिस्क्यूजन और अबाउट से, तो आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होता है। जो प्लेलिस्ट का मार्क था आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपकी सारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको दिख जाएंगी, आपको दिख जाएंगी। तो आप इनको अब एक तरह से अब इसको अपन को न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है, तो अपन का जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एक अलग ही ये कस्टमाइज चैनल को, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी मैंने कस्टमाइज़ नहीं कर रखा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगा। तो अभी यहीं से आप अपन काम कर लेते हैं। तो अपन करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क आ चुका है न्यू प्लेलिस्ट का, तो आप यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। न्यू प्लेलिस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे कोई भी मतलब अब नया मतलब जैसे पीसी रिलेटेड है तो पीसी मतलब कुछ भी डाल दीजिए, जो भी आपका टाइटल आप डालना चाहते हो, तो इस पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में आपका जो प्लेलिस्ट है नया पीसी का मतलब कंप्यूटर वर्जन वो अब एक तरह से क्रिएट हो चुका है। इसमें देख रहे हो आप कोई भी वीडियो अभी दिखा नहीं रहा है, खाली दिखा रहा है। तो आपको एडिट पे क्लिक करना होता है। एडिट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से अब प्लेलिस्ट ऐड वीडियो सारा कुछ आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे। शेयर से रिलेटेड ये रहता है कि आपको जो भी आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर ले होते हैं उसको आप शेयर कर सकते हो यहाँ से, जहाँ आपको वो शेयर करना है। तो इसमें कई ऑप्शन आते हैं, आप जिनसे आप लॉग इन कर रखा है वो सारी प्लेलिस्ट मतलब आप उन सब ऐपों पे जो भी ये सोशल नेटवर्क साइट है इन पे आप उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अपन छोड़ देते हैं। अब आप बात आई ये प्लेलिस्ट सेटिंग, तो आप इसको बिल्कुल मत छेड़िए, इससे कोई मतलब नहीं अपन को। तो अपन इनको छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब कैंसिल करने के बाद में अपना ऑप्शन आता है तीसरा ऐड वीडियो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। ऐड वीडियो पे क्लिक करने के बाद में अपनी जो वीडियो होती है वो सारी इसमें दिखाई देंगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे दिखनी है। तो वीडियो सर्च पे आप यहाँ पे वीडियो सर्च क्लिक करोगे तो वीडियो सर्च आपको सर्च करनी पड़ेगी हर एक, तो URL, तो URL का ऑप्शन है इसमें। आप URL से आप कितने आप समझते होंगे यदि यूट्यूबर हो, तो जो URL दिख रहा है आपको, आपको आप अपनी चैनल की जो वीडियो है उनकी URL कॉपी करके और बस यहाँ पे बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना था। पेस्ट करने के बाद में आपको जो यहाँ पे दिख रहा है नीचे ऐड वीडियो का मार्क, आपको बस ये ऐड वीडियो का क्लिक करना होता है, तो फिर आपकी जो वीडियो थी वो मतलब प्लेलिस्ट में एक तरह से जुड़ जाएगी। तो अपन को सीधा सिंपल फंडा दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो तीसरा मार्क आ रहा था इस पे जो मैं दिखा रहा था ऐड टू प्लेलिस्ट वाली के लिस्ट में, तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है योर यूट्यूब वीडियोज़, तो अपनी जो वीडियो सारी हैं वो अब इसमें सारी दिख जाएंगी। तो अपन को जो जो मतलब जो अपन ने जो अभी जो प्लेलिस्ट क्रिएट किया है आप उसको इसमें वीडियो में सॉरी प्लेलिस्ट में डालना चाहते हो जिस वीडियो को, तो आपको बस यहाँ से आपको सारा कुछ पता ही होता है। आपकी जो वीडियो है आपको पता ही होगा कि किससे किस चीज़ की वीडियो किस मतलब, तो आपको जो इकट्ठी एक जगह रखनी है और एक ही चीज़ से मतलब एक ही टॉपिक से वो रिलेटेड है सारी, तो आपको बस उनको क्लिक कर लेना है। अब जैसे मैंने पीसी से कलेक्ट किया था, तो मैं चलो पीसी से रिलेटेड मेरी सारी वीडियो अभी है नहीं है, तो मैं सीधा ही आपको दिखा देता हूँ ऐसी। तो चलिए मैं अनबॉक्सिंग से रिलेटेड जो पीसी के वर्जन की है मतलब उनको मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने तीन चार पाँच जो वीडियो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो नीचे ऑप्शन सॉरी हाँ ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा ऐड वीडियो, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो सॉरी ऐड वीडियो पे क्लिक कर दोगे तो हाँ तो ऐड वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी पीछे के नाम से वो अब उसमें कितनी वीडियो में 5 वीडियो में सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो अब ये प्लेलिस्ट आपकी एक तरह से क्रिएट हो चुकी है।
तो क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं एक तरह से आपको ये भी बता दिया कि आपको पीसी में भी मतलब जो वीडियो क्रिएट करनी होती है वो कैसे क्रिएट करनी होती है, ठीक है। अब मैं दोनों बता दिया हूँ, अब मैं आपको सारा डिटेल बताऊँगा इसका कि मतलब इसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं और जो मतलब ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है क्या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब प्लेलिस्ट ऐसी चीज़ होती है, इसका आपको बहुत फ़ायदा रहता है। यदि आप अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना के रखोगे हर चीज़ की, तो मतलब कोई भी आपका नया सब्सक्राइबर जो भी व्यूअर आएगा एक तरह से जो भी सब्सक्राइबर आपके पास आएगा, तो वो आपकी वीडियो को देखेगा तो आपके चैनल पे यदि वो आएगा, यदि मान लो उसको कोई भी वीडियो आपकी पसंद आई तो आएगा, वो आएगा पक्का आएगा। तो उसके बाद में अब वो रहता है कि वो आपकी सारी वीडियो देखे ना देखे, वो चीज़ें तो आपके चैनल को जरूर देखेगा, चैनल को जरूर देखेगा, तो फिर उसमें प्लेलिस्ट आपको दिखाई देती है। और जो मतलब जानता है इन चीज़ों को तो वो प्लेलिस्ट में जरूर जाएगा, प्लेलिस्ट में देखेगा कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो हैं, तो अब वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेगा। प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो उनमें चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपके व्यूज़ बढ़ेंगे और जो वॉच टाइम होता है सब्सक्राइबर ये तो बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो को देख के आएगा बंदा तो सब्सक्राइब यदि उसको करना होगा चैनल तो प्लेलिस्ट देखेगा। प्लेलिस्ट देखने के लिए वो सब चीज़ें वो टॉपिक देखेगा कि जो भी प्लेलिस्ट हैं वो क्या किस किस टॉपिक्स हैं, तो प्लेलिस्ट की सारी टॉपिक्स हैं वो देखेगा और जो उसको टॉपिक अच्छा लगता है वो उसमें पक्का जाएगा। तो अपन जो प्लेलिस्ट अपन ने क्रिएट कर रखी है इसे, तो उनमें क्या होता है वही मैं बता रहा हूँ आपको, सारी वीडियो एक टॉपिक की एक जगह रहती है। तो यदि उस बंदे को एक भी वीडियो यदि अपनी प्लेलिस्ट पे जाके वो एक वीडियो देखेगा तो उसमें सारी वीडियो एक साथ में हो जाएंगी। तो जैसे मैं आपको और कन्फर्म करा देता हूँ फिर से, तो अपन प्लेलिस्ट में गए थे तो प्लेलिस्ट पे एक बार मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ। तो प्लेलिस्ट में करने के बाद में आप देख सकते हो आप यहाँ पे मेरी इस प्लेलिस्ट में 5 वीडियो हो चुकी हैं, इसमें 3 हो चुकी हैं, ऐसे मतलब प्लेलिस्ट में मतलब क्रिएट कर चुका हूँ तो उनकी सबकी वीडियो है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आपकी जो अब ये मैं आपको बैक कर लेता हूँ, यहीं से मैं क्लिक कर दिया तो मैं बता देता हूँ। तो अब जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सारी वीडियो एक साथ में चलेंगी तो अपन को फ़ायदा ये हो जाएगा कि अपना जो जैसे बंदा कोई भी अपने चैनल पर देखने आया है तो वो क्या करेगा, इन सारी वीडियो को एक साथ देख सकता है। उसको फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसको ये नहीं होगा कि अलग अलग से वीडियो हर एक आपके चैनल पर जाके वो देखे, एंड्रॉयड से रिलेटेड है या जो भी आपके जो पीसी वर्जन से रिलेटेड है, कोई भी वीडियो ऐप या किससे भी रिलेटेड है, तो वो इस पे जाएगा और यहाँ से वो सीधा मतलब एक बार में क्लिक करेगा तो आपकी वीडियो एक देखेगा। एक देखने के बाद में उसको फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी सारी वीडियो आपको लाइन वाइज उसको नीचे प्रोवाइड हो जाएंगी, तो वो मतलब इतना वो नहीं होगा कि हर बार आपके चैनल में घुसे और फिर अलग सी वीडियो को देखे, तो वो सब चीज़ें उनको मतलब वो परेशान नहीं होगा इतना, उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा हो जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा है, अब चीज़ें मैं यही तो बताने वाला था आपको फ़ायदा नुकसान की। तो फ़ायदा ये हो जाएगा उसके मतलब उसके चक्कर में जो बंदा आएगा, जो सब्सक्राइबर आपका बनेगा एक तरह से, उसको वीडियो जो पसंद आएंगी तो वो आपकी व्यूज़ बढ़ा के चला जाएगा, व्यूज़ बढ़ाएगा तो उसके बाद में वो सब्सक्राइब यदि चैनल उसको अच्छा लगा, सारी चीज़ अच्छी लगी तो वो सब्सक्राइब करेगा ही। सब्सक्राइब करने के बाद में उनको सब जो वीडियो अपन की देखी है उसने जो अच्छी भी लगी है नहीं भी लगी है चलो, तो उसका वॉच टाइम आपको फ़ायदा हुआ कि आपका जो वॉच टाइम है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाने के बाद में इन चीज़ों के फ़ायदा होते हैं बहुत सारे, और भी यदि आप यूट्यूबर हैं तो और भी चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि मतलब क्या क्या फ़ायदा होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने कॉमनली चीज़ें बता दी आपको, है ना। तो ये प्लेलिस्ट का फ़ायदा होता है, नुकसान ही होता है। कई प्लेलिस्ट ऐसे बना लेते हैं कई लोग जो अपने चैनल पे कि मतलब जैसे कोई भी वीडियो अपन को अच्छी लग रही है, मतलब और भी अदर चैनल पे जैसे कोई मतलब वीडियो आप बना रहे हो तो प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी से भी अपने चैनल पे कि मतलब मेरे को पुराने गानों की अच्छी लगती है, तो पुराने गाने अपन ने बनाए नहीं एक तरह से, वो अपन कहीं से भी उठा के उनको ले लेंगे। अब ले लेंगे तो मतलब प्लेलिस्ट पे जो भी आप जाओगे प्लेलिस्ट पे तो आप यहाँ पे जैसे मैंने अब ये प्लेलिस्ट एक ऐसी क्रिएट कर रखी है, देखियो लाइक वीडियो के नाम से जो प्लेलिस्ट है मेरी अभी अपने आप से क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने ये कोई क्रिएट नहीं किया क्योंकि मेरी लाइक की भी जो वीडियो है वो एक जगह मतलब अपनी आ चुकी हैं, तो ये भी प्लेलिस्ट है। अब मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, यहाँ से शेयर करने का भी इसमें भी मैंने बताया था आपको अंदर प्लेलिस्ट में होता है सारा कुछ, तो मैं इनको शेयर कर सकता हूँ। जबकि शेयर करना ये सब चीज़ें बेकार रहता है, इनको प्राइवेट रखेंगे तो आप तो ठीक है, नहीं तो जैसे आपको इनको ओपनली रखोगे और आप दूसरे की वीडियो को जो भी दूसरा बंदा जिसने भी ये बनाई है वीडियो, पुराने गाने नए गाने लेटेस्ट वीडियो जो भी मतलब आप टैग से रिलेटेड कुछ भी हो मतलब, तो जितने भी वीडियो हैं वो सब आपने एक जगह रख रखे हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं उनको आप घर वालों या किसी फ्रेंड लोगों को आप शेयर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बात होती है कि इसको मतलब एक जगह इकट्ठा करना बेकार होता है, मतलब स्ट्राइक ला सकता है आपके चैनल पर। यदि किसी बंदे ने देखा कि मेरी प्ले जो वीडियो की URL है ये कॉपी करके और इसने प्लेलिस्ट बना रखी है उन लोगों की मतलब मेरे चैनलों की या फिर किसी और के चैनल की, तो वो सब आपके चैनल पे स्ट्राइक ला सकते हैं, क्योंकि वो मतलब एक तरह से इंजाम लगाएंगे कि हमारी वीडियो को ये मतलब दूसरे बंदों को दिखाता है, मतलब अपने चैनल पे रखता है अपनी वीडियो को, तो ये सब चीज़ें बेकार होती है। तो ये सब चीज़ें ना करिए, नुकसान ये था, फ़ायदा मैंने आपको बता ही दिया था।
तो सारा कुछ आपको वैसे समझ आ ही गया होगा प्लेलिस्ट क्यों क्रिएट की जाती है, तो सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। यदि आपको अभी भी कुछ मतलब आपको प्रॉब्लम लग रही हो कि आपको समझ नहीं आया, तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको नीचे कमेंट करनी होगी, तो मैं आपको कमेंट में सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। यदि आपको वीडियो समझ नहीं आई है, आपको डिटेल कुछ और लेना है, तो डिटेल मैं जब ही बता पाऊँगा जब आप कमेंट करोगे, ठीक है। और जब ये आपको वीडियो ये पूरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और लाइक करने के बाद में आपको यदि सारा कुछ अच्छा लग रहा है मेरा, तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं नई वीडियो जो भी लेके आऊँगा आपको, तो वो आपको सारी कुछ दिखाई दे जाएगी अपने यूट्यूब ऐप पर या यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब मतलब यूट्यूब ऐप पर, सॉरी, ठीक है। तो सारा कुछ आपको दिखाई दे जाएगा, तो मैंने आपको सारा कुछ बताई दिया। यदि कोई भी कमी आपको लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, गुड लक, बाय।